मध्य प्रदेश के हर जिले की मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों का खर्च अब वीआईटी यूनिवर्सिटी उठाएगी, जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा करते हुए इससे छात्रों का मनोबल बढ़ने की भी बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। छात्र हित में उच्च शिक्षा विभाग की अनूठी पहल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी छात्रों को सौगात। वीआईटी यूनिवर्सिटी उठाएगी मेरिट में आने वाले छात्रों का खर्च, विभाग के इस फैसले से बढ़ेगा छात्रों का मनोबल। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता है, जिसके पीछे का कारण यह है कि मंत्री यादव विकास करने में किसी भी तरह पीछे नहीं रहते और हर कदम पर विकास करना अपना दायित्व समझते हैं। वहीं छात्र हित में एक और नई घोषणा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों की पढ़ाई का खर्चा वीआईटी यूनिवर्सिटी द्वारा उठाने की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से खास सौगात दी गई है, जहां अब वीआईटी यूनिवर्सिटी मेरिट में आने वाले छात्रों का खर्च उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।